माय क्यूटी क्यूटी पाई ऑटर गाइस, क्या क्यूट लग रहा है यार। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे ले गया आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस डार्क सर्वाइवल लीवल का आर्क मेगा मॉडेड सीरीज का। तो गाइस आर्क मेगा मॉडेड सीरीज के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने इस बड़े से केव के अंदर जो ना गाइस हम लोग का घर बना लिया था। प्लस मैंने ऑफलाइन, यार क्या है भाई ये बॉस के द्वारा ना गाइस, हाँ एक मिनट में डिस्पॉन होने वाला, अच्छी बात है। रुक जाओ गाइस, पहले देख के आते भाई क्या कौन सा बॉस, पर मेरे बेस के आजू बाजू ना बॉस ही बॉस स्पॉन होते रहते यार। नहीं मतलब मजाक कर रहे हो भाई, भाई इतने सारे बॉसेस स्पॉन होते हैं ना, क्या बताओ आपको। पूरा गाइस बॉस भाई देखो देखो भाई देखो, क्या नाम है इसका, इल डील डिएब्लो वार्डन ऑफ द माउंटेन। ये क्या रे डिएब्लो बिब्लो लाड में आ रहा, ये लो भाई स्टेगो बॉस ब्रो। वाह वाह भाई वाह भाई, चारों तरफ से बॉसेस ने मुझे घेर रखा है बताओ। वैसे ये भाई एक मिनट में यहाँ पे डिस्पॉन हो जाएगा। चलो मैं भाई अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे बड़ा सा ना गेट लगा दूंगा मैं बेमत वाला, ताकि जो है ना गाइज। अबे यार एक तो इस पीटी के सस्ते ने से यार, पीटी आ जा भाई, आ जा भाई फॉलो करा ले। तो गाइज अभी अपन वहाँ पे उई ऑटर गाइज, ओ भाई ये एक मिनट, ये गाइज ये ऑटर काफी खतरनाक है। ए भाई पीटी 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 रुक 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 भाई, इसके इसके सिर पे ना वो बीच की हाट लगी हुई है। पहले इंट्रो मार लेते हैं, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में मेगा मॉडेड सीरीज के। वैसे आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद आड़ी के चैनल की, जहाँ पे 100 डेज की वीडियो जो है ना गाइज वो आती रहेगी। अगर आपने अभी तक देखी नहीं तो जाके देख लो। और गाइज एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है गाइज, तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना। ड्रैगन है मेरे घर के ऊपर, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ना तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में थैंक्स का बटन दिख जाएगा, वो मेरे घर के ऊपर है भाई एक ड्रैगन खतरनाक सा। वो छोड़ो ऑटर सर जी, मेरे को बताया तेरे को टेम कैसे करना है, रुक भाई इसके सामने जाके मेरे को मछली देनी पड़ेगी। और ये विच ऑटर है भाई, इसने अपने सर पे ना वो विच का कुछ सायरन वाली मछली है। वाह भाई वाह, क्या ही बोले, मछली भी सायरन वर्जन यार, गाना बजा रही है भाई। आजा ओ तू मेरा प्यारा प्यारा शो, ओ तू इधला मतलब बेबी इधली खाले 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 फीड पीज। ओ ये 11% टेम हुआ है, खाली 11%। वेट एंड लीड गेट हंगरी ना ना ना, इसको मैं लगातार फीड खिला सकता हूँ भाई। कुमी मासू है ये। अबे कुमी मासू क्या होता है भाई, अबे कुमी मासू सॉल्मन है भाई, कुमी मासू सॉल्मन खाएगा, 2000 लेवल का है भाई, 2000 लेवल भेज के आग। गाइज मुझे ना बड़े बड़े मछलियों को अपने पीटी से ही मारना पड़ेगा, मैं इसे नहीं मार सकता ना गाइज। रुको 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 रुक जाओ भाई, सब मजा आ गया भाई, वो विच ऑटर तो आज तुम्हारा भाई कैच करके रहेगा। और मेरे घर के ऊपर जो भाई ड्रैगन उड़ रहा है ना, उम्मीद कर रहा कोई खतरनाक सा अटैक ना कर ले यार, ठीक है। कुमी मासू को पहलना है, कुमी मासू को पिराना भी है रे बड़ी वाली, मेगा पिराना, अरे मेगा पिराना जाए बाढ़ में, मेगा पिराना मेरा इस पे कहाँ पे मेगा पिराना, ये रही लग गए लोले लग गए भाई। बाय 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 मेगा पिराना, तूने मेरे को देखा नहीं, इधर आ भाई इधर आ, अबे आना अब मेगा पिराना मेरे पिछवाड़े पे काट लेगी दबाएगा क्या। हाँ बेटा बेटा, हाँ यार मछलियों को पानी के अंदर मारना थोड़ा मुश्किल इस दा। अबे यार अरे खा मार जो, अबे यार मेगा पिराना यू थिंक आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, मार 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 पीड़ी पेल डाल वेल्डन पेल डाल, जमीन पे आ गया वैसे मैं ऑलमोस्ट जमीन पे आ गया। एक काम कर लेता हूँ गाइस, मैं जो ना स्टेगो को लेके आता हूँ, ऐसे तो नहीं भाई स्टेगो नहीं मेरे पास पैरासोरस है उसको लेके आता हूँ। अभी तो क्या सस्ते नीचे कर रहा है क्या बीड़ी भाई, पिरा मछलियों को मारने के लिए मेरे पास गाइस कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। आज तो वाटर टेम होके रहेगा भाई, वाटर तो आज टेम होके रहेगा भाई साहब। अपने हेल्थ बढ़ा दो,
और ना पिराना आपकी बैंड बजा देगी। और डैमेज भी बढ़ा दो, पिराने की बैंड बजानी भी इसकी। एक पिराना भाई, कोई भी पिराना हो उसकी बैंड तो मैं बजाते रहूंगा। और वो बड़ी सी अगर मैं सैल्मन मार देता हूँ ना, तो मेरे हिसाब से ऑर्डर जो है ना कैसे जल्दी डेम हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो? वो ऑर्डर जो है कैसे जल्दी डेम हो जाएगा। मैं बड़ी सी सैल्मन को मारता हूँ तो बड़ी से मछला को मार लेना, 12,000 का डैमेज सीधा। ड्रैग फिश, हाँ ऑटर, ये ऑटू ईयर आ गया जब हमारा प्यारा सा ऑटू, जो कि 11% टेम हो चुका है। और अभी कितने हिलते भाई, 8,00,000 हिलते भाई। और 300-300 डैमेज से क्या होगा उसको बताओ, हैं? मेरे को लग रहा है मेगा पिराना है भाई, 300 का डैमेज दे रहे उसको। फीड फिश और ड्रैग ऑफ, ये क्या है फिर मेरे हाथ में? ड्रैग ऑफ फिश टू फीड बोले तो, ये क्या मेरे हाथ में भाई? कैसे चूमू बना रहे यार ये लोग, हैं? ये वाली मछली नहीं चलेगी क्या? तो कौन सा मछला है रे तू, हैं? लेमोदिद्रुम बुंद्रुम, नहीं यार ये वाला मछला नहीं चलेगा भाई। सैल्मन को मार देता हूँ गाइस, रुक जाओ। मुझे लग रहा है ये छोटी छोटी मछलियाँ ही खाएगा। अगर ऐसा रहा कि खाली छोटी छोटी मछलियाँ खा रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली यार। पिराना को चुल मच रही है क्या रे? पिराना की बच्ची, तेरे को चुन्ने काट रहे भाई, रुक रुक, मारे जा बेस क्या। हाँ रुको 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 रुको, इसको इसको मरने की चुल मच रही है भाई। मेरी अटैक रेंज काफ़ी लो होती है ना, इसलिए भाई फायदा उठाया जा रहा है गाइज। रुक जाओ गाइज, ये पिराना को कुछ ज़्यादा है भाई, रुक जाओ भाई, चुल मच रही है मरने की, रुको। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, मर जा, मर गई। चलो आ जाओ, मेगा पिराना की बैंड बजा दिए। मैं सैल्मन को मार देता हूँ गाइस, ठीक है? एक बड़ी सी सैल्मन मछली को मार देता हूँ एंड देन मैं ऑटर को फीड कर दूंगा शायद से उस सैल्मन मछली को। यार ये ऑटर मुझे नहीं लग रहा कि ये सैल्मन भी खाएगा, क्योंकि ये सैल्मन भी जो है ना गाइस थोड़ी सी अलग प्रजाति की सैल्मन से, यू नो। देखता हूँ मैं, ट्राई कर लेता हूँ। ड्रैग फिश टू टेम, नहीं यार ये वाली मछलियाँ नहीं खाएगा, ये बड़ी मछलियाँ नहीं खाएगा। इसको अगर मुझे कैच करना है, निकलना। पिराना खाएगा क्या? मेगा पिराना ट्राई मारता हूँ, रुको। नहीं भाई मेगा पिराना भी मेरे पास नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है गाइस मुझे छोटी जो मछलियाँ ना गाइस वही उसको फीड करानी पड़ेगी, लाइक ये वाली मछली जिनके हेल्थ भाई 400-500 होते हैं ना गाइस, वो वाली मछलियाँ फीड करानी पड़ेगी। लाइक दिस, ये देखना अभी ये मछली खा जाएगा गाइज, वो ये वाली मछली खा जाएगा यार। लेकिन मेरे को चाहिए ऑटर भाई, ये तो नॉर्मल, एक मिनट रुक जाओ, ये नॉर्मल ऑटर है तो इसके भाई सर पे वो विच का वो क्यों बना हुआ है? ये ले भाई, ऐसे तो इसको 10 मछलियाँ खिलानी पड़ेगी, हैं? ड्रैगन फिश टू फीड, तो ये क्या है भाई? अबे नशेड़ी गंजेड़ी ऑटर यार, ऑटर हराम जा। मम्मी रे कौन सी मछली थी ये मछली नहीं खाएगा बोले, तो क्या खाएगा? ये वाली खाएगा क्या? लेटमेंड्री, नहीं ये वाली नहीं, नॉर्मल मछली, हाँ ये वाली मछली खाएगा वो भाई। ये तो बस 2 या 3 ही है यहाँ पे, मुझे 10 टोटल फीड करानी है। मतलब जो नई प्रजातियाँ गई यहाँ पे ऐड हुई है ना गई, वो नहीं खाएगा ये वाली, देख रहे हो? ये मछली खाएगा, देखना ये वाली मछली से बहुत ज़्यादा टेम हो जाएगा मेरे हिसाब से, 25 तो हो ही जाएगा। ये वाली नहीं खाएगा, ये वाली भी नहीं खाएगा। तू कौन सी है? नहीं नहीं ये लैटमिंटिन बिंटिन है ना गाइज, ये वाली नहीं मछली खाएगा। जो मैं भाई लेके जा रहा हूँ ना गाइज, ये वाली मछली खा लेगा ये, देखना अभी फीड भाई। देखो ये देखो 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 देखा देखा 32% सीधा टेम। ये तो लैटमिंटिन डूडीडी है। ओके ओके, मेरे को भाई वो मछलियाँ ढूंढनी पड़ेगी यार। ये ऑटर को टेम करना भी एक तुड़ुक जाम से कम नहीं है भाई। पैरासोरस, पैरासोरस नहीं, ये वाली नहीं मछली, ये भी नहीं। मेरे को लग रहा है कि जो ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो वो रही एक और वो रही क्या एक और, हाँ भाई है 850 वाली है गाइज, वो खिला देता हूँ। चलो गाइज इसको कैच करने का काम अपन भाई जारी रखते हैं। मेरे को लग रहा है 50% तक मैं इसको भाई मतलब वो फीड करा दूंगा, उसके बाद भाई थोड़ा दिक्कत हो जाएंगी मेरे को, क्योंकि मछलियाँ ज़्यादा है ही नहीं। यहाँ पे एक छोटू छोटू वर्जन भी है इसका, बच्चा है लग रहा है, बच्चे को भी मारना पड़ेगा। इससे 50% तो टेम हो जाएगा गाइज,
ये 850 लेवल की है, जितने हाई लेवल की मैं खिलाऊंगा ना उतना ज्यादा टेमिंग जो है ना गाइस उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है चलो फिर इसको टेम करने का काम जारी रखते और यहाँ पे देखते कि इस प्रजाति की कितनी मछलियाँ अवेलेबल है। और अपन लोग ना एक और आए क्या, हाँ एक भाई कितना लेवल, 1500 लेवल की है भाई, काम 25 हो जाएगा बाबा। ठीक है चलो चलते 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 देखते गाइस अपन ऑर्डर को कैच कर पाते हैं कि नहीं, लेट्स गो। A few moments later. पूरे गाइस यहाँ पे इस पॉन्ड पे ये आखिरी मछली बची हुई है जो मैं उस ऑटर को खिलाने वाला हूँ। बाकी इस प्रजाति की सारी मछलियाँ जो है ना गाइस वो मेरे हिसाब से गाइस विलुप्त हो चुके इस वाले पॉन्ड से। बात रही दूसरी जगह से गाइस मछलियों को लेके आने की, बाहर इतने सारे बॉसेस घूम रहे कि मेरे को नहीं लग रहा दूसरी जगह से मैं मछलियाँ लेके आ पाऊंगा। 63% टेमिंग हम लोग ने इस ऑटर की कर ली है यार, बट अरे भाई ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई भाई आ जा पता नहीं गाइस अभी क्या करूँगा आगे, देखते चलो। मैं थोड़ा बाहर से भी मछलियाँ लेके आने की कोशिश तो कर सकता हूँ भाई। 69% टेम हो चुका है ना मेरा ऑटो। ठीक है ऑलराइट, लेमन थी नहीं यार, ये मछलियाँ खाएगा ही नहीं है, ये बस वही मछलियाँ खाता है। यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं यार रिफ्लेक्टिव सेबर टूथ बीबर टूथ फोन हो रहे यार, क्या करूँ मछलियों को अगर मैं मारूंगा तो यहाँ पे थोड़े टाइम में मछलियाँ तो स्पॉन हो ही जाएंगी ना गाइज। मैं जो मछलियाँ अपने पॉइंट में इनको मार देता हूँ, चेप डालता हूँ। ये लेमन दिन दिन दीना निकल बेच क्या, ये कौन सी वाली है मेरे को चाहिए थी, वो नहीं है ये, वो वही है लेमन तीन तीन तीना, रुको भाई हार्वेस्ट सीधा पेल दूंगा इनको। ये मछलियाँ मेरे को चाहिए नहीं अपने पॉइंट के अंदर भाई, ये चाहिए नहीं मछलियाँ, ये फोगड़ में जो ना गाइस यहाँ पे स्पेस ले रही है और वो जो मछली अपन को चाहिए वो, अरे भगती है इसको पता चल गया कि मैं इसको पेलने वाला हूँ, भग रही है एक्सेबर तू था, रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव हो या रिफ्लेक्टिव हो भाई आई डोंट केयर। सेबर तूथ एक मिनट रुक जाओ, इट्स नॉर्मल सेबर तूथ सैल्मन गाइस, ये नॉर्मल सेबर तूथ सैल्मन है और नॉर्मल जो है ना गाइस सेबर तूथ सैल्मन शायद से मैं फीड कर सकता हूँ शायद से गाइस। ठीक है क्योंकि वो वाली सैल्मन जो है ना कानी सुमु बीनू सुमु सैल्मन है भाई, समझ रहे हो गाइस, उस रीजन से भाई सारी सैल्मन जो है वो भाई अट्रैक्ट हो जाती है ब्लड को देख के, तो संभल के थोड़ा, ये देखना देखा मैंने बोला था बाकी की सैल्मन भी ब्लड को देख के अट्रैक्ट हो जाएगी। मार रही है बे, मार रही है भैंस की आग, अबे ब्लड को ब्लड से अट्रैक्ट हो रही है भाई भाई। हाँ फाइनली जान में जान आई बे, अबे स्टैमिना खत्म मेरा, अबे यार गलत टाइप पे स्टैमिना खत्म हो गया यार मैंने, अबे तू बची है क्या, 3000 हेल्थ यार तेरी, अरे भाई सेबर तूत, अरे भाई तेरी जात का बड़ा पाव मारू, पैरासोरस कम ऑन सेव मी पैरासोरस कम, अरे भाई हड्डी तोड़ दी, अरे मछली से मर गया यार जी भाई, क्यों घटिया किस्मत है, मछली मार के चली गई मेरे को भाई, बेइज्जती इनटू 100 हो गई भाई, मछली मार के चली गई मैं यार जी बे। चलो कोई ना मेरा ऑर्डर तो डेम हो जाएगा, वो क्या चाहिए बताओ, मेरा ऑटर टेम हो जाएगा गाइज। ठीक है विच ऑर्डर, मेरा क्यूट क्यूट सब विच ऑर्डर गाइज टेम हो जाएगा यहाँ पे, ब्लड को देख के जो ना गाइज ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है यार सैल्मन मछलियाँ, इसलिए गाइज हाँ, और जब तक हम लोग उनको उंगली नहीं करते ना ये कुछ भी नहीं करते अपन को, तो थोड़ा सा संभल के रहना अभी। अभी भाई अभी वो सैल्मन की डेड बॉडी किधर है मेरे को बताओ, सैल्मन की डेड बॉडी किधर, नॉर्मल सैल्मन ही चाहिए मेरे को, एक्स बिक्स नहीं कामू बुमू सेबर तो सैल्मन, हाँ वेज माँ ऑटर, वो मछलियाँ रिस्पॉन्ड भी हो चुकी है कुछ कुछ यहाँ पे गाइज, कुछ मछलियाँ रिस्पॉन्ड भी हो चुकी है अच्छी बात है, बट मेरा ऑटर कहाँ चला ये रहा, ऑटर सर बड़ी मछली लेकर आ रहा, बड़ी देख रहा कितनी बड़ी सैल्मन है, बाकी जो मेरे को चाहिए वो तो स्पॉन नहीं हुई है भाई, सेबर तो सैल्मन ही हुई है स्पॉन, देखता हूँ चलो, अरे गुड़गुड़ बाद में कर ले कर ले आ मेरी जा, ओ बेजे गाइज भाई देख रहे हो जबर काबल मीठा होता है, रुको 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 ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको गाइज, 2700 लेवल का ऑटर टेम कराया अपन ने, 2700 लेवल का
मजाक नहीं कर रहा भाई, काफी ज्यादा ही हाई लेवल का जो है ना गाइस ऑर्डर अपन लोग ने टेम कराया गाइस, ठीक है। और ये कोई नॉर्मल ऑर्डर नहीं है गाइस, ये विच ऑर्डर है। इसने ना अपने सर पे जो विच पहनती है ना चूतोशी टोपी, वो टोपी पहन रखी है। अच्छा पैरासोरस, वैसे मुझे आज काफी सारा काम करना था, मुझे काफी सारी भाई ट्रैंक बिंग एरोस व्यूरोस बनानी थी, बट मेरे हिसाब से वो हम लोग आज कर नहीं पाएंगे यार, क्योंकि ऑर्डर को कैच करने में काफी ज्यादा टाइम निकल गया। तो इसको मैं ऑर्डर को यहाँ पे रखता, मेरे ऑर्डर ने पैरासोरस को। और हाँ, तुम्हारे भाई का ड्रेसिंग तुमने देखा ही नहीं गाइस, ये देखना इलेक्ट्रिक ईल वाली चड्डी पहन के रखा है भाई, देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक ईल का भाई डिजाइन बना हुआ है मेरी चड्डी के ऊपर, बाकी तो नॉर्मल ही। और ये देखो ऑर्डर, ओ वाई विच ऑर्डर गाइस, देख रहा हूँ विच की छोटी सी हेड पहन रखी है भाई हमारे ऑर्डर ने, काफी क्यूट लग रहा है यार ऑर्डर, ये देखो ये माई क्यूटी क्यूटी पाई ऑर्डर गाइस, क्या क्यूट लग रहा है यार। रुको रुको रुको, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। और तो चल आपकी हेल्थ कितनी है बताओ, कितनी हेल्थ है, 8000 हेल्थ है, 4000 लेवल का ऑर्डर है। अरे बेस की टेड भाई, 4000 लेवल का ऑर्डर भाई, मजाक कर रहे हो। रुको ये ले ये ले, अरे वेट बीट में ले ले भाई, तू फेल देगा भाई, 80000 डैमेज भाई, डायनो मर जाए। 3 मिलियन भाई, हेलो है, अच्छा तेरे 5 मिलियन है, अबे 3 मिलियन हेल्थ मेरे ऑर्डर की, भाई रुक जाओ ऑर्डर, चला जा बाहर कुछ स्टेगो भी को बॉस, भाई मैंने देखे थे उड़ते उड़ते, अरे यार पैरासोरस को भी लेके जाना था मुझे वहाँ पे, थोड़ा सा यू नो वो सामान इकट्ठा करना है, बेरीज बेरीज इकट्ठा करने, क्योंकि बेरीज से मुझे नारकोटिक बिरकोटिक मतलब बनाना पड़ेगा, तो उसकी लेगा इस, रुक जाओ मैं पहले बेंच बना लेता हूँ, मैं स्मिथि बनाता हूँ, वर्क बेंच बनाता हूँ, उसके बाद ना बाहर जाके हमारे क्यूत क्यूत से ऑटो का डैमेज जो है ना गाइस वो चेकआउट कर लेंगे, हमारा क्यूती पाए वाटर आ जाओ। और इसके अंदर ना मुझे ट्रैकर भी डालना है, और इसकी हेल्थ में जितनी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ उतनी ज़्यादा बढ़ाऊंगा, ताकि कोई भी बॉस इसको कभी भी पेल ना पाए, अगर मैं इसको बॉस फाइट में लेके जाता हूँ तो भी, ठीक है। ओमेगा इज द ओमेगा बेंच, बेंच इज द बेंच, बेंच इज द इटर्नल बेंच, बेंच इज द सीमेंटिंग बेंच चाहिए, कर दी ना छोटी बात यार। टेबल, एक छोटा सा टेबल बना, उसके ऊपर मोटार बना, 3 मात्र सीमेंटिंग बेंच चाहिए बोले वे, क्या करे बताओ, कहाँ से सीमेंटिंग बेंच लेके आए, एक काम कर ले स्मिधि बना, ये बन गया होगा इस अपना स्मिधि, उसके बाद बना ले अपग्रेड स्टेशन, ये बन गया अपना अपग्रेड स्टेशन, ये बन गया अपना ब्लूप्रिंट स्टेशन, उसके बाद इटर्नल वाला एक ही बनता है इसमें, वो पहले आई थिंक से इटर्नल वाला एक ही बेंच होता था, पुराना मॉडल रखा है ना एकदम बाबा आदम के ज़माने का, तब शायद से एक ही बेंच था। कहाँ पे लगा दो पीटी, हट जा भाई, वहाँ पे भाई सारा सामान रखना है, बहुत सारे बेंच अलग अलग तरह के जो ना कैसे लगेंगे यहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग तरह के बेंच लगेंगे। ये लग गया अपना स्मिधि, ठीक है, उसके बाद गाइज ये लग गया अपना अपग्रेड स्टेशन, जिसमें अपन अभी कुछ टाइम में अपने टूल्स को अपग्रेड करने वाले हैं, लग गया अपना अपग्रेड स्टेशन, उसके बाद ये लग गया अपना मोटार एंड पेस लगाने के लिए टेबल, मोटार लगाने के लिए एक्चुअली में ये टेबल, जिसके ऊपर अपन इस तरह से मोटार लगाने वाले लाइक दिस, और कैन वी मेक सम सीमेंटिंग पेस्ट, यस हम बना सकते हैं यहाँ पे कुछ सीमेंटिंग पेस्ट इजीली, चलिए भाई 100-100 सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए डाल देता हूँ, ताकि इटर्नल वाला बेंच जो है गाइस वो भी हम लोग बना सके। क्या मैंने सारे के सारे बेंच अनलॉक नहीं करे भाई, ओके ठीक है, स्मिधि स्मिधि भी नहीं अनलॉक करा है ना, टेबल लाइट कंस्ट्रक्शन स्मॉल, ओके ठीक है, अनस्टेबल वाटर, और कोई टेबल रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो सीमेंटिंग पेस्ट बन रहा है भाई, हाँ 30 बन चुका है, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, ये ओमेगा वाला ओमेगा वाला एक मिनट रुक जाओ, ओमेगा वाला कौन कौन सा बेंच है, बेंच डाल दे अभी, अरे बेंच में तो भर भर के बेंच आ गए, एजी रिबॉन स्मिधि ये डाल दें, ये कौन सा वाला बेंच है, ओमेगा वर्क बेंच है, ये इनक्यूबेटर वर्क बेंच है, वुडन बेंच है, इटर्नल वर्क बेंच, हाँ ठीक है, बेंच सारे बन गए, स्मिधि स्मिधि तो एक ही है, टेबल क्या है, टेबल में ये टेबल है एक, ये बना ले, और ये क्या है, स्मॉल मेटाबॉलिक स्लाइडली डिक्रीज फूड, अच्छा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक समथिंग कुछ है। भाई साहब इतने सारे बेंच लगाने हैं यहाँ पे हैं, देख रहे मेगा मॉडेड में भाई क्राफ्टिंग के लिए बेंच भी काफ़ी ज़्यादा ही लगाने पड़ते हैं गाइस, ठीक है, मेगा मॉडेड है भाई, मेगा मॉडेड,
एक्सेस तो थोड़ा दूर दूर करके लगा देता हूँ ताकि एक्सेस जो है ना वो ठीक से कर सकूँ मैं इनको, ठीक है थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ओके ये एक और स्मिथी, वहाँ पर इसकी स्मिथी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, देखा गया इसकी स्मिथी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये लगा भाई साहब, इतने वर्क बेंच जो है ना गाइज मैंने कभी भी कहीं पे भी नहीं देखे यार, जितने इस वाली सीरीज में वर्क बेंच है। ये लो, आहा यस गाइज, तो ये सारे हमारे वर्क बेंच है जिनमें हम लोग अभी अपनी सारी की सारी जो चीज़ें है वो बनाने वाले हैं गाइज, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग वर्क बेंच पे अलग अलग तरह की चीज़ें बनती है, यहाँ पे जब मैं घर बनाऊंगा ना तो अलग अलग तरह की लाइट्स बीट्स में लगा सकता हूँ गाइज, ठीक है, स्किन्स बिन से अलग अलग तरह की, देख रहे हो गाइज ये सारी चीज़ें है। बाकी तो ये अपने नॉर्मल वर्क बेंच है, मुझे सबसे पहले बनाना है गाइस नार्कोटिक, मैं इटर्नल वाले एरोज बनाना चाहूँगा क्योंकि इटर्नल वाले एरोज मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला टॉर्पोर देगी। ट्रैंक एरोज है वो इटर्नल है, ट्रैंक एरोज बनाऊँगा मैं। ट्रैंक एरोज के लिए मेरे को स्टोन एरो चाहिए। ओ एक चीज़ बनाना रह गया वो है FMK वाला बेंच जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे नार्कोटिक बना सकते हैं। तो आपको बताइए यार नार्कोटिक की अपन को कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है लेट्स गो बॉयज। ओके तो अभी मुझे भाई बहुत सारे रिसोर्सेज भी इकट्ठा करने, बाहर जाके रिसोर्सेज इकट्ठा करने, लाइक मुझे नार्कोबेरी अनलिमिटेड चाहिए होगा, जितना ज़्यादा मिल सकता है उतना ज़्यादा नार्कोबेरी इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ मैं। चलो वो मेटल तो अपना काफ़ी ज़्यादा गाइस पिघल भी चुका है वहाँ पे, ठीक है चलो चलते हैं। मैं देख रहा हूँ गाइस, अरे भाई पैरों से उसको फॉल डैमेज ना पड़ जाए। मुझे इलेक्ट्रॉनिक भी चाहिए होगा ताकि मैं टेलीपोर्टर फिलीपोर्टर वो सारी चीज़ें हैं ना वो जल्दी से जल्दी बना सकूँ। कोई खतरनाक यार खतरनाक क्या, बहुत ज़्यादा खतरनाक बॉसेस है। बारिश हो रही है या फिर रात हो रही है पता नहीं चल रहा, 80 भाई इतने से काम नहीं चलेगा यार भाई। वो देख रहा हूँ शॉक वाला पीढ़ी, भाई टेम कैसा होता भाई तू, भाई इनको मैं इजीली टेम कर सकता हूँ पर मुझे टॉर्पोर देने वाली कोई चीज़ चाहिए। एजी रिपोर वाले में मैं देख लेता हूँ कि एरोज बिरोज कौन सी है, ठीक है मैं पहले तो अभी यहाँ पे इडनल वाले एरोज का टॉर्पोर जरूर चेकआउट करूँगा। अगर वो एकदम तगड़ा वाला 10-20 नहीं 50-60 हज़ार टॉर्पोर दे रही है तो अपने काफ़ी ज़्यादा काम आएगी वो। कितना बेरीज हो गया, 1,500 से काम बन जाएगा क्या गाइस अपना, मेरे हिसाब से तो काम बन जाना चाहिए यार 1,500 बेरीज से। तो भाई ये देखना यार, इज दैट पेगासस और आर्जेंटिनस, भाई मैं यहाँ पे मरना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, एक काम करता हूँ ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ, 1,500 से मेरे हिसाब से एक काम कर लेता हूँ, 25 चाहिए ना 2,500 कर लेता हूँ, 2,500 से मैं 100 एरोज तो कम से कम बना सकता हूँ। हाँ 2,600 हो चुकी है, चलो चलो चलते चलते गाई चलते, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए वरना जो ना गाई जहाँ पे अपनी बैंड बच सकती है, कोई भी आके खतरनाक सा डायनो या बॉस आके मेरे को मार के जा सकता है। निकल ले भाई निकल ले, चलो ओके लेट्स गो गाइस। ओके तो गाइस एक काम कर लेते हैं, आज का एपिसोड ना ज़्यादा लंबा और बड़ा नहीं रख बनाएंगे अपन, ठीक है रुको इसकी हेल्थ बढ़ा दो। हाँ मेरी जान चल चल, 3,000 गाइस अपने पास नार्कोबेरीज आ चुकी है, इससे अपन ट्रैंक एरो बनाने का काम अगले एपिसोड में चारों कर लेंगे भाई, ठीक है अगले एपिसोड में ट्रैंक एरोस बना लेंगे इजीली, और उससे जो ना गाइस हम लोग जाके किसी खतरनाक से पीटी या फिर ऐसे किसी डायनो को कैच करने की कोशिश करेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए आज का जो हमारा एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल का मेगा मोडेड सीरीज का वो हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं भाई, ठीक है। आपको हमारा प्यारा प्यारा सा ऑटर कैसे लगा जरूर बताना, विच ऑटर गाइज जिसने विच की हैट पहन रखी है, और गाइज इसके लिए ना क्यूट से नाम एकदम क्यूट से नाम नीचे कमेंट में डाल देना, ठीक है। आपने आज नाम डाले तो 2 दिन बाद मेरा नाम दे दूंगा क्योंकि गाइज अपनी बैकअप पे वीडियो चलती है, तो अगर आप आज नाम डालोगे तो 2 दिन बाद मुझे मिल जाएंगे एंड उस वाले वीडियो में मैं इसको नाम दे दूंगा गाइज, ठीक है। तो आज का एपिसोड कैसे लगा, हमारा विच ऑटर कैसे लगा वो जरूर बताना नीचे कमेंट करके। बाकी आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते और मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में। रुक जाओ मुझे ना एक और चीज़ बनानी है, बेमद वाला गेट ताकि मेरा घर रह सके एकदम फुल टू सिक्योर। मैं जो ना कहीं जाके एंट्रेंस पे ये वाला गेट जो ना कहीं जो लगा देता हूँ ताकि अपने घर पे ना कोई भी बॉस उस छोटे से छेद में से या फिर कोई खतरनाक सा डेड एली डायनो ये छोटे से छेद के अंदर से आ ना सके अपने घर के ऊपर अटैक करने के लिए गाइस, ठीक है। इसलिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे ये बड़ा सा गेट इज द लाइक दिस इज द एंड लाइक भाई चलना ऑटर को छोड़ दूंगा ना बैंड बज जाएगी भाई इसकी एक देरी। हाँ हाँ मेरी जान, वेल डन वेल डन वेल डन, लग गया ना, हाँ लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया, लग गया, लग गया, लग गया।
चलो तो फिर गाइज आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते सीधा गाइज सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में. But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then